महेंद्र वाला फोर लेनिंग हो जाएगा तो रोड की कनेक्टिविटी उस साइट की खुड़ाना की बहुत बढ़िया हो जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक, इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम महेंद्रगढ़ विधानसभा के अंदर जो टूटी सड़कें हैं उनका मुद्दा जब हमने उठाया, 148B का जब मुद्दा उठाया तो उसमें हमने आम जनता से भी आपकी बातें करवाई, वहाँ पर जो नेता हैं उन नेताओं से भी बातें कराई। लेकिन आज हम जहाँ खड़े हैं वो है महेंद्रगढ़ ज़िले का नारनौल शहर। नारनौल शहर के अंदर जो महेंद्रगढ़ ज़िले के अंदर ही नांगल चौधरी जो विधानसभा है उससे जो विधायक हैं माननीय अभय सिंह यादव जी यहाँ पर जो जनसेवा में कार्यरत हैं और जन समस्याएं यहाँ पर सुन रहे हैं, तो उनके निवास स्थान पर हम हैं और इस निवास स्थान पर हम उनसे 148B के बारे में जानेंगे कि 148B जो महेंद्रगढ़ नारनौल दादरी जो रोड है अपने आप में, इस रोड की क्या आगे जो कार्रवाई सरकार है बीजेपी सरकार कर रही है। इनका एक बहुत बड़ा चेहरा है बीजेपी के अंदर और यहाँ पर हम एक बार इनसे आपकी बातचीत करवाते हैं। सर, इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। और विशेष सर एक ही बात, 148B महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जैसे टूटा है, नारनौल से आगे तो टूटा ही पड़ा है, दादरी तक जाते हैं तो 148B के बारे में बताएं। देखिए, ये सारा रोड बेसिकली मांदी से लेकर जहाँ फ्लाईओवर बन रहा है वहाँ से लेकर नारनौल के बाईपास से होता हुआ और महेंद्रगढ़ ज़िले की सीमा तक इस रोड का की हालत वास्तव में ख़राब है। मैं इस बात से सहमत हूँ आपसे और इस विषय में हम लगातार सरकार के संपर्क में हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी एक दो बार इस विषय में संज्ञान लिया है और उनकी घोषणा है, दिसंबर में जब नारनौल में आए थे वो, तो आपको ध्यान हो स्टेज से उन्होंने घोषणा की थी। मैंने उनसे विशेष रूप से आग्रह किया था कि जी इस रोड की बड़ी खस्ता हालत है, तो अब उसका DPR का प्रोसेस चल रहा है। मेरी अभी कल ही चीफ इंजीनियर जो इस महकमे के हैं उनसे बात हुई है, उन्होंने ये बताया कि जी वायदा किया उन्होंने कि 30 सितंबर तक हर हालत में इसका टेंडर कर देंगे। DPR सितंबर के अंतिम सप्ताह में आ जाएगी और आते ही इसका टेंडर कर देंगे, तो बड़ी जल्दी अब जो ही इसका एक बार टेंडर हो जाए फिर बड़ी गति से काम आगे चलेगा और इस पूरे को ही मांदी से लेकर महेंद्रगढ़ ज़िले की सीमा तक पूरा फोर लेनिंग बनवाएंगे। हमें खुद ध्यान है, ज़िले के विकास में जहाँ कहीं कमी आती है वहाँ हम खुद अपने आप ही इस पे कार्यरत रहते हैं। जी, आपने एक जो छोटा सा प्रेस नोट जारी किया उसमें मेंशन भी किया कि अगर ये हाईवे बन जाता है तो ऑटोमेटिकली IMT खुड़ाना को इसमें कहीं ना कहीं विकास लाने में सहायता रहेगी। देखिए, मैं दो बातें बताऊँ आपको। विकास की जो आधारभूत जो संरचना है उसका विकास में बहुत महत्वपूर्ण है। IMT खुड़ाना का शिलान्यास हो चुका है, रोड नेटवर्क जब ये दोनों रोड बन जाएंगे, ये 6 लेन वाला जो अपना अम्बाला जो जा रहा है, ग्रीनफील्ड कॉरिडोर जा रहा है ये, और ये फोर लेनिंग महेंद्रगढ़ वाला फोर लेनिंग हो जाएगा तो रोड की कनेक्टिविटी उस साइट की खुड़ाना की बहुत बढ़िया हो जाएगी, उसके बाद में विकास होना निश्चित है जी। तो आज हम अभय सिंह यादव जी के पास थे जो नांगल चौधरी से विधायक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका जी। तो आपने देखा कि 148B को लेकर यहाँ पर जो बीजेपी से विधायक जी हैं इन्होंने कितना अच्छा यहाँ पर जवाब दिया कि बड़ी खुशी की बात है अगर ये ऐसा हो जाता है महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए कि कुछ समय पश्चात यहाँ पर, जैसा कि बताया उन्होंने महीने मेंशन किए, सितंबर के अंतिम सप्ताह में टेंडर और उसके बाद फिर दिसंबर महीने के अंदर इसका जो जीर्णोद्धार है वो काम शुरू हो जाएगा, तो बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है कि 148B का भी जीर्णोद्धार होगा और महेंद्रगढ़ शहर के लोगों को फोर लेन जैसा हाईवे देखने को मिलेगा। आप सभी देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पॉइंट और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को पता पड़ पाए कि हाँ DPR जैसी जो प्रोसेस है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है और ये बीजेपी से जो विधायक नांगल चौधरी से जो अपने आप में महेंद्रगढ़ ज़िले के अंदर अगर हम बात करें या इस क्षेत्र में बात करें तो बहुत बड़ा अपने आप में एक बीजेपी का चेहरा है। बहुत बहुत धन्यवाद।